तो वहां जाएंगे कल तो चौपाल अभी में। आप अभी अभी आ जाइए ना, आप अभी मिल लेते हैं। अभी नहीं, आप सीहोर में हूँ वर्तमान में जी। अच्छा, अभी आप सियोर में हैं। और कैसा जी चल जी रहा है आपका? बस ठीक चल रहा सर, आशीर्वाद आप लोगों का। देखो यार अरुण, एक चीज समझने की कोशिश करो जी कि आप ये कमलनाथ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आप जी भाजपा के नहीं, पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये क्या दिया है इन्होंने देश को? दिया तो कुछ भी नहीं, मगर कुछ परिस्थितियों की वजह से थोड़ा। नहीं, मेरा वो नहीं कहना है, मेरा कहना है कि देखो हर किसी को पेट दिया है, उसे अपनी रोजी रोटी कमाना है, ठीक है ना? तो उस हद तक जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन मेरा दूसरा कहना है कि क्या हम जो है बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, और वो भी बिना किसी खर्च के। देखो अरुण, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों को मूर्ख बनाया गया है, और हमारे पत्रकारों ने लोगों को सही बात पहुंचाई नहीं पाई है। अब आप ये बताइए, अभी आप गुलाम हैं कि नहीं हैं? तो हाँ क्यों नहीं। आपके ऊपर जो गुलामों के सभी नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शासन कर शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाए थे, उनको बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले आपके ऊपर थोपा गया, और जो थोड़ा बहुत संशोधन किया भी गया तो जो अंग्रेजों की बादशाही व्यवस्था थी उसको और ज्यादा ताकत दे दी गई, और ज्यादा पावर दे दिए गए, तो आप उस व्यवस्था के सामने और बड़े गुलाम नहीं हो गए हैं? हाँ क्यों नहीं, परिवर्तन तो हुआ पहले के पीछे। नहीं, मेरा ये कहना है कि अपन मूल से लड़ ही नहीं रहे हैं। अब इसके बाद एक राजसत्ता स्थापित की गई, वो राजसत्ता आपके बोर्ड से तो चुनी जा रही है, लेकिन आप बताइए क्या वो राजसत्ता जो है आपको रिप्रेजेंट करती है? नहीं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, हाँ पॉलिटिकल जी। और पॉलिटिकल, और वो जो है एकदम डरी हुई है, पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधी हुई है और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधी हुई है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें क्या भला होने वाला है? भला तो कुछ मुश्किल दिख रहा है इन स्थितियों से, तो भला तो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। कोई भी दल आ जाए, ये आ जाए चाहे वो आ जाए। नहीं तो दल तो सभी दुष्ट है ना। देखिए दल इसलिए दुष्ट हैं कि टिकट किसको दे रहे हैं, जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं, अपने नेताओं के जो है ना बच्चों को टिकट देते हैं, दूसरी पार्टी से जो दल बदलू लोग जिन्हें लगता है कि उस पार्टी में अब उन्हें राजसत्ता सुख नहीं मिलने वाला है, जो अपने लाभ के लिए पार्टियां बदलते हैं, ये दुष्ट राजनेता उन्हें मंच में बिठाते हैं, साल उड़ाते हैं, नारियल देते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं और टिकट देते हैं और मंत्री पद भी देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? और जो है अपराधी चरित्र के लोगों को टिकट देते हैं, जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि योग्य लोगों से इन्हें डर लगता है, इन्हें लगता है कि यदि योग्य लोग होंगे तो वो इनके लिए चुनौती बन जाएंगे, और ये भाई अपने तो आपके अपनी माध्यम राश हाँ अपना रास्ता अलग से शुरू कर देंगे ये लोग बनाना। हाँ तो चुनौती देके जो है इनके लिए समस्या पैदा करेंगे, तो ये ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहते हैं, तो हमेशा अयोग्य लोगों को टिकट बांटते हैं। और फिर जीतते कैसे हैं? आईटी का यूज करते हैं, सब पार्टियों ने अपने अपने आईटी विंग बना दी है। ये जो है सोशल मीडिया के लोग जिनके जिन्होंने अपनी मेहनत से कुछ मुकाम हासिल किया है, जिनकी व्यूअरशिप लाखों करोड़ों में पहुंच गई है, उन्हें अपने पेरोल पे लाके उनको डर फैलाने का काम करते थे हैं, और उस डर के माध्यम से वोट बैंक पैदा करते हैं। आप ये बताइए, ये पेड सर्वे कराते हैं जिसका ग्राउंड से कोई लेना नहीं देता है, और लोगों को ये भरोसा दिला के कि ये पेड सर्वे ही सही है, और वो इस तरीके से पेड सर्वे के माध्यम से, पेड आम सभाओं के माध्यम से, पेड न्यूज, पेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेड देन जो है फ्रीबीज, दारू, साड़ी, पैसे, इसको जी इन सब का यूज करके ही नहीं जीतते हैं क्या ये? हाँ जीतते क्यों नहीं। अच्छा ये बताइए, जो है जिस दिन से जीतते हैं और जीतने के लिए ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाते हैं कि नहीं डूब जाते हैं? हाँ वो तो है, हर जगह वो सभी दलों की संगठन मैं तो स्थितियां यही दल हो की रही बातें नहीं है। कर रहा हूं, मैं तो राजनेताओं की जी बात कर रहा हूं। जी सभी राज्यों से यही स्थितियां हो रही हैं। तो फिर समय नहीं आ गया है कि हम जो है बिना खर्च वाली एक ऐसी व्यवस्था पैदा करें जो क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोची है, तो आप उससे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं?
आप उससे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? आप अपने जी पेट पालने के लिए जो करना है वो करते रहिए, उससे तो हम मना नहीं कर रहे हैं ना। आप जी साथ में जो है ना इस व्यवस्था से जुड़िए और अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करिए, ठीक है ठीक, व्रत करिए जो है ना, 10 लोगों को रोज जोड़ने का, उनकी संगोष्ठी करिए 15-20 मिनट में जो है ना, हर दिन इस काम के लिए लगाइए। कल आप चंद्रगुप्त होंगे और जिसके ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे वही चंद्रगुप्त है, उसी को एमएलए एमपी का टिकट मिलेगा और वही मंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है सर, काम करते हैं सर। मैं भी इसे भी और भी लोगों से चर्चा की थी मैंने बीच में, हाँ मिला था। देखो मैं इसमें जो है ना, चर्चा के साथ इमीडिएटली अपनी प्रोफाइल की लिंक भेज के उनको जोड़िए और उनको ऊर्जाकृत करिए, जो अभी हमने आपसे बात की यही ऊर्जाकृत करना है, राइट। ठीक है, इसके बाद उनको संकल्पित करिए, ठीक है ना। तो संकल्प चार तरीके के हैं। एक है कि 10 लोगों को प्रतिदिन संकल्पित करके ऊर्जा कृत करके 9 दिन के लिए जोड़ा जाए, राइट, 9 दिन तक जोड़ा जाए। तो इस प्रकार 90 लोगों को जोड़ सकते हैं। यदि ये कठिन हो रहा है तो हर दिन एक व्यक्ति को जोड़ा जाए, लेकिन ये व्रत फिर 90 दिन चलेगा। यदि ये भी कठिन लग रहा है तो फिर 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़िए और ये व्रत फिर 180 दिन चलेगा, राइट। और चौथा चौथा है कि ये भी कठिन लग रहा है तो 4 दिन में एक को जोड़िए, लेकिन फिर ये व्रत 360 दिन चलेगा। या इसका मिडिल कर लीजिए कि दो दो लोग हर दिन जोड़िए, फिर ये व्रत आपका केवल 45 दिन चलेगा। तो जो पसंद हो वो कर लिया जाए। और इसमें जो है हम तीन लोगों को वरीयता दें, राइट। एक युवाओं को, तो हम स्कूल कॉलेज में जाएं और लोगों को जोड़ें, राइट। दूसरा हम जो है सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान दें, तो गांव में जाति के धर्म और उसके हिसाब से हर जाति के प्रतिनिधि बना के उन्हें भेजा जाए, वो मोहल्ले मोहल्ले में अपने जाके लोगों को बैठ के जो है उनसे संगोष्ठी करें, उनको ऊर्जाकृत करें, उनको संकल्पित करें। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं, राइट। और जो है उनसे कहें कि जो है ना क्राइम फ्री भारत पे 16 से अधिक वीडियो है, तो एक दो वीडियो रोज देख के अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करिए और अपने संकल्प का पालन करिए, राइट। और इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जो बहुत विद्वान खुदगर्ज सेल्फ फोकस्ड लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, उन्हें पत्थर मानकर उनको नहीं जोड़ना है। तो हर व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, राइट। तो जो ये पत्थर तुल्य व्यक्ति हैं, जो स्वार्थी हैं, जो सेल्फ फोकस्ड हैं, उनको किनारे छोड़ेंगे तो हमारी एनर्जी बचेगी, हम सही जगह पर लगा पाएंगे। तो एक युवाओं को जोड़िए, फिर सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से मोहल्ला मोहल्ले में समिति में मोहल्ला मोहल्ले में वो संगोष्ठी करिए, उनको राष्ट्रीय ध्वज के सामने उनको संकल्पित करिए। और तीसरा जो है फिर जो है हम वरिष्ठ नागरिकों पर भी ध्यान दें। वरिष्ठ नागरिकों के पास इतना लंबा अनुभव है, उनके पास समय भी है, जिम्मेवारियां भी अब नहीं है, तो उनका समय भी खप जाएगा और वो बड़ी आसानी से अपने आप को चंद्रगुप्त साबित भी कर सकते हैं। और जब वो मंत्री एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी ऊर्जा का उपयोग भी होगा, है ना। ठीक है ठीक। तो आप बताइए इसमें आपके 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं, नहीं। आपने कोई नियम तोड़ा? नहीं, नहीं। आपने कोई कंडक्ट रूल तोड़ा? नहीं, नहीं, नहीं। आपको जो है किसी तरीके की कोई हानि हुई? नहीं, नहीं, तो जब आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा, हानि नहीं हो रही है और संकल्प शक्ति के आधार पर बिना चुनाव प्रचार के आप अपने चंद्रगुप्तों को जिता पाएंगे, इसमें कोई संशय है आपको? तो फिर आप चौहान, फिर तो मत चूको चौहान वाला फार्मूला होना चाहिए ना, इतने बांस इतने अंगुष्ठी पर बैठा है सुल्तान, मत चूको चौहान। वो है कवि वरदाई का जो दोहा है वो याद करिए और सही निशाना लगाइए और इन दुष्ट राजनेताओं को संकल्प शक्ति से बिना खर्च किए पराजित करिए, ठीक है ना। कल मैं फोन करके मैं आपको, ठीक है, कल जो है ना एक बार चेक कर लीजिएगा, तो हम तो शाम को जो है ना यदि मैं उपलब्ध हूंगा तो आपका स्वागत है, ठीक है। चलिए, और मैं आपको जो है ना लिंक भेज रहा हूँ, आप ज्वाइन तो अभी कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, राइट, ओके, थैंक यू, नमस्कार।